केवल आरोप लगाया है बल्कि पुलिस थाने में जाके एक FIR दर्ज किया। इसके पहले 4 वर्ष पहले ही किसान की आत्महत्या हुई। कोंडागांव की घटना ही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार किसान धान खरीदी को लेकर तनाव में है, जिस प्रकार उनके रकबे काटे गए, ये यानी स्पष्ट रूप से किसी का 10-12 एकड़ खेत हो और बाद में जब वो सोसाइटी जाके पता चले कि उसके पास 12 एकड़ नहीं, उसके पास तो 0.2 एकड़ भी खेत नहीं है, बाकी सब काट दिया गया है, या वो 200 क्विंटल धान लेके जा रहा है खरीदने के लिए और उसको 10 क्विंटल बेचने की अनुमति दिया जा रहा है। तो किसान जो इतनी मेहनत करके फसल तैयार किया है, जिसके ऊपर कर्ज है 80,000 का, उसको पटाना चाहता है और यही सोसाइटी में बेचकर, वहाँ यदि इस प्रकार के जवाब मिलता है तो शॉक रह जाता है। और ये पूरे प्रदेश की हालत है। पहला उन्होंने रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ किया, रात रात भर जगते रहे, लोगों को लाइन लगा के घूमना पड़ा, वहाँ उनके रकबे काटे गए, दूसरा उनके लिए नुकसान हुआ। बस्तर में तो हालत और ख़राब हो रहे हैं। बस इन्हें राजनांदगांव जिले के, मैंने कहा ये 2 मौतें जो हुई हैं इसके लिए प्रशासन सरकार जवाबदार है, भूपेश बघेल जवाबदार है। बस्तर के मामले तो और अलग हैं। वहाँ पे जिनके धान खरीदी के लिए सरकार ने घोषणा किया था कि हम धान खरीदी उनके भी करेंगे जिनके पट्टे दिए गए हैं, शासन ने वनवासियों को पट्टे दिए, पट्टे में धान खरीदी की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की, आज उनके अधिकृत पट्टे होने के बाद भी धान ना खरीदना, उनको लौटा जाना, ये पूरे बस्तर में एक प्रकार तनाव का विषय है। और यदि किसान, मुझे ख्याल नहीं है 15 साल धान खरीदी हम लोगों ने किया, धान खरीदी के पहले हफ्ते में ही इस प्रकार का माहौल बनना, कोई किसान आत्महत्या नहीं करता, खुशी खुशी घर परिवार के लिए वो धान लेके आता है और उसको लगता है कि उसके पेंडिंग जितने काम है उसको पूरा करेगा, ये उत्साह का समय होता है। इस समय यदि सरकार ने उनको तनाव में डाल दिया और मौत के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, तो ये सरकार की भूपेश बघेल की असफलता।